अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। साबिक MLA जनाब रमेश कुर्ची साहब ने आज सहाफती कॉन्फ्रेंस लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, लिहाजा आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने ली, इसके पीछे असल मकसद क्या था? सर, असल मकसद क्या नहीं है, बेलगाम शहर को जो चुने गए नुमाइंदे को, जो चुने गए MLA वो MLA उन्हों अभी तक चुप बैठे हैं। जो लोगों को, बेलगाम शहर वासियों को जो सुविधा उपलब्ध कर देना था वो नहीं मिल रहा है बोल के हम। अच्छा, स्मार्ट सिटी के बारे में आपने बहुत कुछ कहा सर, लेकिन स्मार्ट सिटी को जब नंबर वन कहा जा रहा है तो उसकी बुनियाद क्या है सर, जबकि इतने सारे घपले होने के आपने दावे किए? आपसे पूछता हूँ, हम इतने सारे बात कर रहे हैं, एक रिपोर्टर के नाते, एक प्रेस रिपोर्टर के नाते मैं ही आपको पूछता हूँ, आप जाके देखिए, देन आप सोचिए, फिर इनको ये सच कह रहे हैं क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सर, भाजपा के अंदर हमने देखा अक्सर कि कई सारे दावे, इल्ज़ाम लगाने के बाद भी वो किसी फैसले से टस से मस नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट हो, अदालत के फैसले हो, अभी आपने बिल्किस बानो का भी जिक्र किया, तो इस तरह की तमाम बातें होने के बाद अब किस हद तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये इनको बदलाया जा सकता है? कई बार तो EVM के भी सवाल आता था, अगर जीत कर जाते हैं तो MLAs खरीदे जाते हैं, तो आखिर इनको हटाया कैसे जाए? देखिए, यही तो हमारा कहना है, जिस डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, जो 70 साल जो लोगों को डेमोक्रेसी, आज आपको लगता है कि पूरा तरह से आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं ऐसा लग रहा है? तो पर वही तो कर रहे हैं ये लोग, सोचना, जब तक आप वो नहीं सोचेंगे तब तक आप नहीं इनसे पार नहीं होंगे। तो मैं आज लोगों को, आप भी देखें उनको, आप भी उनको परचे पर का सब कुछ करने के बाद उसमें कुछ फर्क आया 2014 से आज पर मुझे उन्होंने जो दिए, सो जो आश्वासन, जो आज लोगों को बोले थे, ये देता हूँ, वो देता हूँ, ये देता हूँ, फलाना बहुत कुछ बोले, क्या मिला सर? उसके अलावा हम जो टैक्स का डबल टैक्स दे रहे हैं, जो महंगाई डबल ट्रिपल हो रहा है, जो आदमी 5,000 में अपना घर गुजारा करता था आज 10,000 भी कम पड़ रहे हैं, यही है आपका डेमोक्रेसी? बताइए, आप बड़े बहुत सारे कुछ आप बात करते हैं, इधर का बात करिए, ग्राउंड लेवल पर आके देखिए क्या हो रहा है, एक आम आदमी को क्या तकलीफ है, ये सोचना आपका काम। वो जीत भी रहे हैं चुनाव, फिर हुकूमतें भी बना रहे हैं, अगर दूसरी पार्टी बनाती है तो उसको गिरा कर फिर अपनी बनाते हैं, फिर इसमें से कैसे वहाँ तक पहुँचती है? उन्होंने जीत रहे हैं ये वो अलग बात है, जीत रहे कैसे, ये EVM मशीन से आप बोल रहे हैं, ये तो हम बहुत सिंपल, लेकिन जब तक ये लोग, मशीन तो कांग्रेस ही लाई ना? हाँ लाई, तो फिर उसमें एडजस्टमेंट करने वाली कांग्रेस नहीं थी ना, तो फिर वो नो कर रहे, उपयोग करने के लिए लाए थे, दुरुपयोग करने के लिए नहीं लाए। तो वही, ये दुरुपयोग अगर हो रहा है तो इसे रोका कैसे जा सकता है? अभी हमने हाल ही में महाराष्ट्र को भी देखा कि बनी बनाई हुकूमत को गिरा दिया सर, कर्नाटक का भी मामला देखा, कांग्रेस से कई सारे लोग वहाँ पर चले, वही तो देखो उन्होंने बनी बनाई सरकार उन्होंने तोड़े, बिहार में हम वो ये लोग तोड़े, नीतीश कुमार और उनको तोड़े, वो तोड़ने के बाद लोग और चुने गए नुमाइंदे क्यों डर रहे हैं? आज ही देखो बिहार के लालू के जो रिलेशन में सभी रेड पड़ा, आम आदमी जो इतने सिसोदिया वो हुआ, इनको दूसरा कोई इनके खिलाफ बात करने वाला नहीं चाहिए, हमारे को क्या होने वाला है साहब, हमारा इतना उम्र गुजर गया इस सियासत में, हम तो बोलने वाले ही, हम तो करने वाले ही, हम लोगों के बहुत जल्द चुनाव है सर, बहुत जल्द चुनाव है, क्या उसी के पस मंजर में आप जो है एक्ट हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब एक बार सियासत में आने वाले सभी बात आते रहते हैं, बट इसका मतलब नहीं है। देखो जी, जिन्होंने हमारे को जो बुलाए हैं, जिनके वजह से मैं अंदर आया जी, आज उन्होंने जो कहते हैं उसके ऊपर ही मैं अमल करने वाला है, बाकी का कुछ नहीं।